गुड इवनिंग बच्चों, कैसा रहा बच्चों आप सबका रिजल्ट? हाँ भाई, बाकी भी बताओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बता दो यार रिजल्ट। क्या पूछ रहे हो सर? रिजल्ट कैसा रहा? बढ़िया रहा सर। अच्छा चलो, क्या रैंक आई बता दो। ओके 5756। ग्रेट ग्रेट, विस्मन कॉन्ग्रेट्स, लवेश कॉन्ग्रेट्स, ऋषभ बढ़िया यार, सही है, कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है जो है। आज हमें कौन सा करना है भाई, 4 है या 5 है? अच्छा बस एक सेकंड बचो। हाँ जी, टेस्ट 4 कैसा था बच्चों? ओके बताओ बच्चों, इसमें कौन से डाउट्स हैं? सर पहला
स्मूथ फ्लोर है तो एक तो इसमें सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है या काइनेटिक है, कि मतलब दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं या अलग मूव कर रहे हैं, राइट right? तो अब है टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू पी। तो अगेन बच्चों जैसे मतलब मैं आपको पहले ही बोला था ना, मान लो मैं उतना जैसे ना आता हो कई चॉइसेस, तो जैसे अब डी ऑप्शन तो करनी सबसे आसान है, बताओ डी कैसे होएगी, ए सी एम कैसे निकलता है, नेट फोर्स अपॉन मास, तो ये तो पक्का ही ठीक है, डी तो बिना सोचे पता है कि ये तो ठीक ही है, राइट फिर सर। उसके बाद हमें ये चेक करना है इस केस में जो कि ये इकट्ठे मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो जब आप पी और क्यू का एफबीडी बनाओगे तो देखो पी पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग सकती है वो कितनी लग सकती है, 0.5 × 20, 10 लग सकती है, तो पी की एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम 2 हो सकती है, राइट अब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब पी और क्यू अलग अलग ही मूव कर रहे हैं, अगर तो कहीं इसकी सेम आ जाती तो फिर तो हम कह देते कि पी और क्यू इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो वो 2 ही हो सकती है, वो आ गई तो सी ऑप्शन बन जाएगी। अब एक्सेलरेशन ऑफ क्यू रिलेटिव टू पी, अब क्योंकि अलग अलग ही मूव कर रहे हैं तो मतलब फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक लग रही है, तो अब क्यू पे ये 15 आगे हो गई, पीछे जो फोर्स लगेगी वो म्यू एम जी 10 हो गई, तो इसकी एक्सेलरेशन 2.5 हो गई, तो बी भी ठीक हो गया। टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू पी, ये गलत है ए ऑप्शन, बिकॉज 10 न्यूटन तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन को मिला के आएगी, राइट आगे तो ये बच्चों मतलब डूएबल क्वेश्चन है और बिल्कुल ठीक है लेवल का, आ सकते हैं ऐसे। आगे बच्चों सर इसका ए ऑप्शन सेकंड का सिर्फ। सेकंड का फर्स्ट का, सर सेकंड क्वेश्चन का सिर्फ ए ऑप्शन। अच्छा सिर्फ ये ऑप्शन डाउट, अच्छा यस सर। मास एम लाइज ऑन स्मूथ ग्राउंड व्हेन स्मॉल एम रीचेस, जब तक स्मॉल एम नीचे पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट हो जाएगी, कैपिटल एम की वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी, तो स्मॉल एम की वेलोसिटी v1, कैपिटल एम की वेलोसिटी v2, तो ये इकट्ठे ही निकलेंगे एक्चुअली, तो आपकी एक तो मोमेंटम की इक्वेशन बनेगी mv1 = कैपिटल MV2, दूसरी बनेगी आपकी स्मॉल एम जी आर इज इक्वल टू हाफ कैपिटल एम v2² प्लस हाफ स्मॉल एम v1² तो इसको सॉल्व करके निकलेंगी कैपिटल एम और स्मॉल एम की वेलोसिटीज, और फिर उससे रिलेटिव निकलेगा, सीधा नहीं बता सकते हम। आगे थर्ड क्वेश्चन, तो इसका आप जब एफबीडी बनाओगे इस केस में तो mg sin theta mg cos theta नॉर्मल रिएक्शन रफ है तो फ्रिक्शन भी लग गई, तो
तो लोएस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो, तो एम जी साइन थीटा इंटू आर इज इक्वल टू एफ इंटू टू आर आ जाएगा, तो इससे एफ की वैल्यू एम जी साइन थीटा बाई टू आ गई, कैपिटल एफ की, तो ये ऑप्शन आ गई। अब जब आप फोर्स बैलेंस करोगे कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अलॉन्ग द इंक्लाइन, तो उससे बी ऑप्शन भी आ जाएगी। ठीक है, तो बस अब फ्रिक्शन फोर्स को म्यू इनटू एन से इक्वेट कर दो, उससे टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये तो आसान था। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कहा है कि जो डायपोल है ये टुवर्ड्स राइट रखा हुआ है, तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी कि एक तो उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रही, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए वो अलोंग द डायपोल होनी चाहिए, तो वो तो इन चारों ऑप्शंस में से ही किसी पे कोई अपने को हेल्प नहीं मिल रही उससे, बी ऑप्शन। इट फील्स अ नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो इससे हमें यह समझ आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, खैर वो किसी ऑप्शन में है भी नहीं। और तीसरे में कि व्हेन रोटेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल ओरिएंटेशन एंड रिलीज्ड द डायपोल मूव्स बैक टुवर्ड्स द ओरिजिनल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो थर्ड से एक तो आप हिंट जो मिल रहा है वो कुछ स्टेबल इक्विलिब्रियम टाइप्स कुछ हिंट मिल रहा है, और एक ये जो है कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन है बच्चों, प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो एक तो हम ये समझें पहले तो कि जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर को होनी चाहिए, प्लस आई में होनी चाहिए या माइनस आई में होनी चाहिए। तो जैसे हम कोई भी एक ऑप्शन अगर लेके देख लें, जैसे ए ऑप्शन है जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप में है और एक्स के साथ बढ़ रही है, तो इसके ऊपर तो फोर्स जीरो हो गई प्लस क्यू चार्ज के ऊपर, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स आई वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो वो इधर को टूवर्ड्स राइट आ जाएगी। तो मतलब सेकंड वाले केस में डी नहीं बैलेंस हो रहा। अब बी और सी में से देख लेते हैं सेकंड वाली ऑप्शंस कैसे हो रही हैं। एक्स इक्वल टू जीरो पे, जैसे अगर मैं बी ऑप्शन देखूं, बी ऑप्शन में एक्स इक्वल टू जीरो पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो टूवर्ड्स प्लस एक्स आ रही है, तो प्लस क्यू पे जो फोर्स आई वो तो प्लस एक्स की तरफ आई। एक्स इक्वल टू डी पे जो फोर्स आ रही है वो माइनस आई कैप की तरफ आ रही है, और वो लेकिन नेगेटिव चार्ज पे लग रही है, तो वो फोर्स भी टुवर्ड्स राइट आ गई, तो बी ऑप्शन भी अभी है पिक्चर में। अगर हम सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन में एक्स इक्वल टू जीरो वाली फोर्स तो टुवर्ड्स राइट आ गई, सॉरी हाँ, एक्स इक्वल टू जीरो वाली फोर्स टुवर्ड्स राइट आ गई, और एक्स इक्वल टू डी वाली जो फोर्स है वो फील्ड जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट आई, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो उस पे जो फोर्स आएगी वो टुवर्ड्स राइट ही आ गई, तो प्रेजेंटली बी सी और डी
तीनों ऑप्शंस हैं सेकंड के तक। अच्छा ये समझ आ रहा है, बताओ। फिर थर्ड है कि व्हेन रोटेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड रिलीज द डाइपोल मूव्स बैक टुवर्ड्स द ओरिजिनल ओरिएंटेशन। इसमें बच्चों खैर एक बात मैंने जो पहले बोल दी थी इक्विलिब्रियम वाली, वो तो अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं सिचुएशन में। तो बताओ थर्ड ऑप्शन कैसे चेक करोगे? बोलो भाई। नहीं, यू मिनिमम वाला कंसेप्ट नहीं लग सकता, बिकॉज वो तो तब लगता अगर फोर्स जीरो हो रही होती, मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं ना। सेकंड ऑप्शन आने के कारण ये तो कंफर्म ही हो गया कि इक्विलिब्रियम वाली तो सिचुएशन ही नहीं है। हाँ भी पवे ज्योत, बताओ कैसे किया? डाउट था सर। ओके और किसी का हुआ है ये बच्चों? फिफ्थ तो हम बच्चों टॉर्क वाइज बात कर सकते हैं। हम तो ये सोचें कि किस केस में जब हम इसको इसकी पोजीशन से थोड़ा घुमाएंगे, राइट, तो इस पे ऐसी टॉर्क लगे जो उसको वापस उस सिचुएशन में ले आए। ठीक है, फोर्स वाइज तो समझ आ रहा है हमें कि इक्विलिब्रियम नहीं है, बट क्या टॉर्क वाइज इक्विलिब्रियम है? बताओ मुझे क्या बच्चों टॉर्क वाइज इक्विलिब्रियम है? टॉर्क वाइज इक्विलिब्रियम है ही ना, क्योंकि टॉर्क वाइज तो पी और ई की सेम डायरेक्शन ही बन रही है। ये बी और सी ऑप्शंस में देखना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज तो नहीं कर रही। एक्स इक्वल टू जीरो में वाई कैप की तरफ है, नहीं मतलब हाँ फर्स्ट केस में भी और सेकंड में भी दोनों में आई कैप की तरफ है और एक्स इक्वल टू डी पे दोनों केसेस में माइनस आई कैप की तरफ है। तो मतलब या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, एनीवेज तो टॉर्क तो जीरो ही है ना।
अब इस केस में हम टॉर्क वाइज जो इक्विलिब्रियम है वी कैन तो दोनों केसेस में टॉर्क वाइज इक्विलिब्रियम है, मतलब वो तो बी और सी और ए, तो डी हमने एलिमिनेट किया था तो ए बी सी आ जाएगा बच्चों। यही दिया होगा आंसर या तो कुछ और है? ए सी। सर 8th क्वेश्चन, डाइवर्जिंग लेंस है, इसके आगे एक कनकेव मिरर रखा हुआ है, F1, F2, दैट सेपरेशन इज डी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस रिटर्न्स एज अ पैरेलल बीम। तो ऐसा कब होगा बच्चों बताओ? इस पे जो पैरेलल बीम होगी वो डाइवर्जिंग हो जाएगी, मतलब यहां से इट विल डाइवर्ज। और ऐसा कब होगा कि इट रिटर्न्स बैक एज अ पैरेलल बीम?
बोलो बच्चों, ये तो होना चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें। इसको जब बैक बनाएंगे तो बस वो फोकस से रिट्रेस पास कर। का बात तो सर, इसका सर बात डी वाला एक्सप्रेशन तो बन गया जो ये 2f2 - f1 वाला है सर। हाँ क्या कहते हैं, एक तो सी ऑप्शन सर सोचा नहीं गया, और मतलब इसमें क्या कहते हैं मैथमेटिकली कुछ वो मतलब क्या कहते हैं बन नहीं रहा था सी ऑप्शन में। मैं कह रहा था क्या कह रहे हो? सर इसका सी ऑप्शन नहीं क्या कहते हाँ समझ आया हाँ नहीं एग्जाम नहीं में। सी तो मुझे सोचा था, समबडी वाज सेइंग समथिंग एल्स तो देयर। मैं बस वो सोचा था फॉर्मूला μ2 - μ1 वाला यूज होएगा बीच। अच्छा नहीं, इसमें क्या है, आप देखो कि देखो है ना, ए तो गलत ही हो गया क्योंकि बीम डायमीटर वही रहेगा, पाथ रिट्रेस हो रहा है, ये शायद आप कह रहे हो कि निकल आता है सॉल्व करके। अब सी यस सर, ऑप्शन जो है वो कह रही है कि डी विल रिमेन अनऑल्टर्ड, ये गलत हो गया बिकॉज जो रेज, ये जो डिस्टेंस बनता है ना, ये डिस्टेंस, ये मतलब लेंस अपने से F1 पीछे बनाएगा उसका कन्वर्जिंग पॉइंट, राइट? अब F1 को अगर आप पानी के अंदर लेके जाओगे तो चेंज कर जाएगा ना, तो अगर F1 चेंज करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको D चेंज करना पड़ेगा क्योंकि F2 तो सेम ही रहेगा। राइट ठीक है सर। आगे। सर यस एक नाइन्थ क्वेश्चन में डाउट नहीं है सर, पर एक जनरल डाउट है एरर्स में। सर जैसे कि जब हमें टाइम पीरियड्स के वैल्यूज दी होती हैं बहुत सारे, एंड हमें लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच भी दिया होता है, तो सर जो हम एरर लिखते हैं वो एवरेज एरर प्लस लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच लिखते हैं ना सर, कि मैक्सिमम ऑफ द टू को कंसिडर करते हैं। क्योंकि सर ऐसा एक क्वेश्चन भी आपने करवाया था एक क्लास में रिवीजन सर के टाइम लंबा आया था मेंस में, यस मुझे याद है हमने डिस्कस बहुत किया था क्लास डिस्कशन हुआ था यस सर सर क्लास में, यस यस एंड अब आई रिमेम्बर। प्रीवियस ईयर में उसमें एरर ऑफ मतलब लीस्ट काउंट ऑफ द क्लॉक को ना कंसिडर करते हुए मैक्सिमम वाला एरर लेके आंसर निकाला हुआ है सर। आप ये वही बात कर रहे हो ना जो मेंस में आया था? हाँ जी हाँ जी सर यस सर, बहुत। वो जिसका क्या कहते हाँ फ्रीक्वेंसी वगैरह करके हमने किया था हाँ हाँ सॉल्व। हाँ 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 तो देखो बेसिकली तो जो मेथड होता है वो ये होता है कि जो एरर्स होते हैं वो हमने सारे के सारे जो अलग अलग रीजंस के कारण जो एरर्स आते हैं उन सबको ऐड करना है आपने। जैसे मान लो एक लीस्ट काउंट के कारण आ गया, एक मान लो ऑब्जर्वेशनल एरर के कारण आ गया, और एक जिसके कारण से और आया, जैसे जैसे इन्होंने मान लो यहाँ लिखे हुए हैं, तो हमने तो सबका जो मतलब सबके कारण इंक्लूड करना होता है, सर ठीक है? मतलब जो टोटल एरर आता है एक तरह से। ये क्वेश्चन क्या सर है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन टाइम पीरियड इज रिकॉर्डेड एज लीस्ट काउंट एवरेज रिएक्शन टाइम, द मिनिमम अमंग्स लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच एंड रिएक्शन टाइम। द मैक्सिमम अमंग्स लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच एंड रिएक्शन टाइम। जैसे मतलब सर इस क्वेश्चन पे भी वो बात की क्लैरिटी नहीं मुझे डेवलप हो रही कि हम दोनों को मैक्सिमम्स अब क्यों कंसिडर कर रहे हैं, हम तो दोनों का ऐड करके, क्योंकि सारे तरफ से एरर्स ऐड होंगे ना सर, हाँ यस तो फिर ये मैक्सिमम वाली बात मुझे मतलब समझ नहीं आती।
अच्छा आप ये कह रहे हो कि मतलब इस केस में मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन में उन्होंने वो ऑप्शन ही नहीं बनाई हुई है क्योंकि जिसमें हम एडिशन की बात कर सकते हैं। हां तो बेस्ट ऑप्शन तो सर हां जी डी ही है, डी बन जाएगा। हां हां जी बट ये ना और क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब ये इससे मतलब कुछ बहुत प्रॉपरली पता नहीं चल रहा, इससे यही पता चल रहा है कि बस ठीक है कि हम इससे पता चल गया। जो एक्चुअल मेथड होता है वो तो यही होता है, जैसे जो हम पढ़ते भी हैं कि एरर्स तो अलग अलग उनके कारण आ सकते हैं, वेरिएबल्स के कारण। yes, जो हम एरर का फॉर्मूला भी बनाते हैं, जैसे मान लो हम जब लिखते हैं डेल्टा टी बाई टी, हम यही लिखते हैं ना कि जो जो टर्म्स आई डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी बाई जी सबको लिखते जाते हैं। yes, तो वो तो सबके कारण ऐड ही हो रहे होते हैं एरर्स। सर फिर इसमें बेस्ट पॉसिबल आंसर ही हम कर सकते हैं। हाँ तो इससे तो मतलब यहाँ से तो बेस्ट डी बनता है। सर एक और मतलब इसमें भी आप एक बात समझ रहे होगे कि मतलब इसमें गड़बड़ क्या है कि भाई एरर तो दोनों ही हो सकते हैं ना, मतलब ऐसा भी तो हो ही सकता है ना कि यार भी टॉप वॉच से जितना एरर हुआ वो भी हो गया और मेरे देखने में भी एरर आ गया, जो मतलब ये एक्शन टाइम जो उन्होंने जिस तरह लिखा हुआ है। सर पर इसमें तो हम यही कर सकते हैं ना कि मान लो अगर जैसे लीस्ट काउंट और रिएक्शन टाइम में से एक एरर बहुत बड़े और दूसरा उसके कंपैरिजन में बहुत नेगलिजिबल है तो मैक्सिमम वाला लेके ऑलमोस्ट इक्वली बन जाता है, इससे सर यही कर सकते हैं। हाँ बस उस तरह सोच सकते हो कि हाँ भी चलो सर एक अभी जैसे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन था तो उसमें बहुत बड़े नहीं थे सर, 0.02 और 0.01 था अपना एवरेज एरर एंड लीस्ट काउंट जो मेंस में था। नहीं सर ये शायद एडवांस वाला कोई क्वेश्चन था। मेंस वाले में तो सर उसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड था और जो रिएक्शन टाइम था वो 1.5 सेकंड्स था, तो हमने उसका 2.5 किया था एरर। अच्छा ठीक है, मुझे इस वाले क्वेश्चन में मतलब उन्होंने बस 0.02 को एरर लेकर एंड आंसर निकाला हुआ है एंड उसको सेइंग दैट कि जो मैक्सिमम वाला है वो कंसीडर करेंगे। कहाँ पे किस क्वेश्चन में आप कह रहे हो? सर मैं आपको सेंड कर देती हूँ सर एक मिनट। मतलब कोई हाँ आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या कह रहे थे कि किस केस में उन्होंने 0.2 लिया हुआ है? मुझे सुनाई नहीं दिया सर। मतलब उन्होंने सर क्वेश्चन जो था बहुत तीन चार रीडिंग्स थी तो उससे जो एवरेज रीडिंग लेकर उन्होंने एरर निकाला एवरेज एरर वो 0.02 आया सर, पर लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच 0.01 दिया हुआ था तो सर मैंने 0.03 टोटल एरर लेकर एरर इन टाइम पीरियड निकाला पर आंसर के हिसाब से 0.02 ही दिया हुआ था उन्होंने क्योंकि वो मैक्सिमम है। हाँ जी आप ये किस में कह रहे हो, कहाँ पे आया हुआ था ये क्वेश्चन? सर प्रीवियस ईयर का एक प्रॉब्लम है सर। सर मैं आपको क्लास के बाद हाँ जी सर इसमें तो ऐसा कभी नहीं आया आईआईटी में as far as I remember, मतलब इनमें बड़ी इनके क्वेश्चन में बहुत क्लैरिटी होती है। इसमें ये हो सकता है हाँ एक केस जैसे ना मतलब अगेन वो क्लियरली होना चाहिए कि मतलब कि हम कुछ ऐसी सिचुएशन कह रहे हैं कि भाई दोनों इकट्ठे ही हो रहे हैं तो हमने इसके जो बड़े वाला है वो ले लिया टाइप्स, तो बट चलो भेजना मैं आपको सिखा दूंगा। हाँ बच्चों आगे इसमें सर एक ऊपर रह गया सेवेंथ क्वेश्चन उसका एक पार्ट। यस सर इसका क्या कहते हैं सी ऑप्शन मेथड बता दो सर बस। ये उससे होगा
या आपने उसमें पढ़ा होगा रेडिएशन प्रेशर और फोर्स, नहीं जो हम पढ़ते हैं? यस सर, क्या ले? यस सर, यस सर, उस पे बेस्ड है, मतलब आप वो निकाल के उसका कंपोनेंट ले लो। अच्छा, मतलब बेसिकली आप क्या करोगे कि जो फोटॉन्स हैं उनकी चेंज इन स्पीड निकाल लोगे इन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। यस सर, उससे उनका चेंज इन मोमेंटम निकल आएगा, उससे फोर्स निकल आएगी। ठीक है सर, उसका सर फिर कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा ना? हाँ, कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा। यस, आगे बच्चों। सर 11th, इलेवेंथ क्वेश्चन में व्हाट यू विल डू इज कि आप देखो, देयर आर टू मेथड्स। एक तो ये है कि हम इस तरीके से ये जो प्रेशर्स बनेंगे इनको इंटीग्रेट करें प्रेशर इनटू एरिया करके, ठीक है। दूसरा तरीका जो बेटर तरीका है, इंटीग्रेशन में हम अटक जाएंगे, आप क्या है, आप ये सोचो कि मान लो मैं इस होल को रिप्लेस कर दूं विद वाटर ओनली, यहां पे ऐसे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस बात से कि रिमेनिंग वाटर ने क्या फोर्स लगानी है? मतलब जितनी फोर्स फर्स्ट केस में आ रही है उतनी सेकंड में भी आएगी, उससे तो कोई डिफरेंस आया ना? यस सर, वाटर को इससे क्या मतलब है कि मटेरियल क्या है, उसने जो फोर्स लगानी है उसने तो वही लगानी है, ठीक है। तो अब इस केस में आप कैसे फोर्स निकाल सकते हो, आप ये जो वाटर बॉडी है इसके ऊपर जो ऊपर वाला सारा लिक्विड है उसके कारण फोर्स एफ मान लो जो हम निकालना चाहते हैं, करेक्ट। आपको नीचे से भी पता है कि इसके ऊपर वाटर कितनी फोर्स लगा रहे, दैट इज जो यहां प्रेशर बन गया पी नॉट प्लस रो जी एच इनटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। एंड इनको माइनस करके क्या होना चाहिए, इसके वेट के इक्वल होना चाहिए। जो नीचे वाली फोर्स है माइनस एफ शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस वाटर बॉडी, तो उससे आपके पास सीधा एफ की वैल्यू निकल आएगी। राइट सर, जो टोटल नीचे वाली रो जी है जो लग रही है? हाँ, ओके ओके। आगे
सर 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन में जो इक्वेशन बनेगी रॉड कंडक्टिंग है, उन्होंने मेंशन किया नहीं किया बट होनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। हाँ तो ये चार्ज हो गया क्यू माइनस क्यू, तो अगर हम किसी इंस्टेंट पे माने कि इस रॉड की वेलोसिटी वी है तो अच्छा रॉड की रेजिस्टेंस दी हुई है हमें, ठीक है तो अगर अब हम ये करंट आई बच्चों इसके थ्रू पास करवाएं हमारी किरचॉफ इक्वेशन कैसे बन गई, कितनी क्या बन गई, किसी टाइम पे मान लो चार्ज स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू नहीं स्मॉल क्यू, तो ये हमारी इक्वेशन बनी क्यू बाय सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, एक और टर्म भी आएगी मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ प्लेन, तो उस कारण से दिस रॉड विल बिहेव लाइक अ बैटरी ऑल्सो, तो माइनस VBL is equal to zero, इस टाइप की इक्वेशन बनेगी और इस तो अब इस रॉड के ऊपर बच्चों फोर्स कितनी लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैं रॉड का अलग से एफबीडी बनाऊं, इसकी वेलोसिटी तो वी है आगे को, जिस तरह से मैंने करंट दिखाया हुआ है आईबीए किधर को आ गया बच्चों, लेफ्ट राइट, तो ये इक्वेशन यहां से बन गई IBL इज इक्वल टू MdV बाय dt, तो ये हमारी किस टाइप की इक्वेशन बन गई,
इसके ऐसा ना कई सारी क्वेश्चंस बन जाते हैं, मतलब कई सारी ऑप्शंस हो सकते हैं. इसको इस फॉर्म में हम, हमारे पास क्यू भी अटक रहा है, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो 1/c dq/dt माइनस आर di/dt माइनस अच्छा वैसे इस स्टेप की बच्चों जरूरत नहीं थी, हमें कौन सा पूरी इक्वेशन निकालनी है. देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करनी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करने का मतलब स्पीड मैक्सिमम, स्पीड मैक्सिमम मतलब एक्सेलरेशन जीरो, dv/dt जीरो मतलब जो करंट है वो जीरो होना चाहिए. हाँ भी बोलो. तो एक बार वापस है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का क्या मतलब होता है? स्पीड मैक्सिमम. स्पीड मैक्सिमम, स्पीड मैक्सिमम. ठीक है सर. स्पीड मैक्सिमम मतलब उसका डेरिवेटिव जीरो. यस सर. अगर उसका डेरिवेटिव हम जीरो कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गई. तो आई जीरो तो उसका मतलब क्यू जो है इस एक्सप्रेशन में, बच्चों मैं आई को जीरो डालूंगा तो क्यू बन गया सी वी बी एल. एक मिनट बच्चों उसको देखो क्या करना है, मैं जस्ट आया अभी.
हेलो नहीं है नहीं अच्छा कुछ सोचा क्या क्या दिमाग में फोर्स वाली क्यूवीवी वाली क्वेश्चन कि जो रोड में चार्ज होगा वो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू होगा शायद, तो उससे आगे वीबी में फोर्स और काइनेटिक एनर्जी का रॉड में कैसे कैसे टोटल चार्ज दे रखा है ना उसके ऊपर मैक्सिमम कैपेसिटर पे कैपिटल क्यू। हाँ हाँ जी हाँ जी अच्छा जी ठीक है हाँ और ये स्मॉल क्यू कैपेसिटर के ऊपर दे निकाल ली वेरिएबल इक्वेशन है। ये इक्वेशन कांस्टेंट है क्या स्मॉल क्यू की? वी मैक्सिमम बी एल। किसी का 14th हुआ था यार क्या ओ यार कहाँ है तू? अच्छा कौन सा चौदवा चौदवा टेस्ट इसेंट्रिसिटी का में नहीं क्वेश्चन हुआ है। हाँ टेस्ट इसेंट्रिसिटी में मतलब भी ना पता क्या छोड़ करना क्वेश्चन है, टेस्ट देता तो बताता तेरे को जरूर मैं। है वैसे भी यार असी कैपलर वगैरह दे क्वेश्चन ये जो की थी जैसे सेंट्रिसिटी यूज हो रही होगी एंड दो टेस्ट जो चाहे केपलर दे वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस वाला भी एक क्वेश्चन आया सी वो भी नहीं हाँ होया सी मेरे तो है ये जो कभी फॉर्मूले नहीं यूज किए थे। ना मतलब बस टाइम पीरियड वाला रिलेशन आंदा है और हाँ ज्यादा से ज्यादा पीरियड वो हाफ आर थीटा ऐसा भी तो होता है कुछ एरिया हाँ वेलोसिटी एंगुलर वो मोमेंटम तो कुछ हाँ हो रहा एरियल वेलोसिटी मतलब है कांस्टेंट एरियल रहेगी वाला वेलोसिटी वाला पर जाए कुछ पीता नहीं ना कि मतलब किस इंस्टेंट से कटिए यार इस टेस्ट विच ते बहुत कटी क्वेश्चंस पूरे सही हुए हैं मेरे मैंने सारा वो हीट वाला क्वेश्चन करके बड़ा खुशी हुई। हाँ रेजिस्टेंस बनाकर बड़ी फोर था वही ते क्वेश्चन होया है पूरी तरीके ना सही फील आके एबीसीडी टिक कीते हैं मैं होने के पक्का सही। हाँ बाकी किसी विच मेरा प्लस फोर नहीं आया नहीं मेरा एक उससे +4 आया एक मेरा वो जिहड़ा वो अपना एक कन्वर्जिंग लेंस वाला सी उससे कीता मैं सिर्फ एक ऑप्शन सीगा +4 उससे हो गया। बी हाँ बच्चों वाला हाँ जी हम कहाँ थे ये बन गया क्यू इक्वल टू सी वी बी एल बट इस पूरी चीज में मास की तो टर्म ही नहीं बनी फिर कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट तो बनेगी नहीं इस केस में तो फाइनली वो वैसे ही रुक जाएगा जाके क्योंकि रेजिस्टर लगा हुआ है जब वो तो हमें पता ही ना कि जैसे आरसी सर्किट होता है तो उसमें फाइनली तो करंट जीरो ही हो जाता है और वो इस इक्वेशन से आ भी रहा है कि ये देखो कि डीवी बाई डीटी जीरो तो आई जीरो तो फिर ये पूछना क्या चाह रहे हैं क्या किया बच्चों उन्होंने सॉल्यूशन में देखा है किसी ने बच्चों सर। इन्होंने इक्वेशन क्या कहते हैं बनाई हुई है सबसे पहले कि बी एल इंटीग्रल डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एम टाइम्स इंटीग्रल डी वी बाई डी टी।
ठीक है, वो तो यही चीज हो गई जो हमने लिखा इसको कर दिया. यस सर, सिर्फ स्टेडी स्टेट में इन्होंने लिखा हुआ है कि BL into capital Q minus small q is equal to MV. ये तो उसको इंटीग्रेट करके बन जाएगा. यस सर, तो उसके बाद सर इन्होंने क्या है कि अपना BVL into C is equal to small q. यही बन गया जो हमने लिखा है. ठीक है सर, फिर उसके बाद इनके BL into capital Q minus C times L square B square into V is equals to MV. ये तो हो गया, वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया. यस सर, इससे वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन जाएगा BLQ upon M plus C B square L square. अच्छा बस ठीक है, मतलब ठीक है, ये जो हमने बच्चों यहाँ तक तो किया ही है, ये क्यू जो निकाला है ना, इस क्यू को बस इस इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करके ये क्या होगा कि इस इक्वेशन को जब हम ऐसे लिख देंगे ना, बी एल डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, ये डी टी डी टी कट गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इनिशियली चार्ज कैपिटल क्यू था, बाद में स्मॉल क्यू हो गया, वेलोसिटी जीरो से वी हो गई, तो वी को हमने पुट कर दिया सी वी बी एल के. तो उससे हमारे पास इस एक्सप्रेशन से क्यू निकल आएगा, Q से V निकल आएगा, मतलब तो वो जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा, हाँ बच्चों मैंने देख लिया मैंने, वो जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा उसमें मास आएगा, उसको फिर हमने डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया, मतलब ज्यादा लंबा है, मतलब वैसे ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया. आगे बच्चों सर 14th A to B in the path ACB. ये कुछ उसमें नहीं कर सकता, वो इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स वाले कॉन्सेप्ट से.
ये तो ए टू बी का मतलब तो यही हुआ ना, ये इसकी बात कर रहे हैं। कि ऊपर वाले हाफ से नीचे वाले हाफ तक, वो तो फिर आधा ही आ जाएगा सर। ए सी बी वाला पाथ है ना, तो अच्छा एक मिनट, हाँ ए सी बी है ना, तो हमें मतलब एरिया स्वेप्ट लेते ना, मतलब ये यहाँ से यहाँ हो गया ना लाइक दिस, ये वाला एरिया निकालना है अपने को। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये आधा तो वो हो ही गया सीधा, तो जो एलिप्स का हाफ पाई ए बी बाई टू, ये वाला ट्राइंगल के उससे निकल आएगा एरिया से। यहाँ एक्सेंट्रिसिटी यूज भी हो गई है ना, फिर यूनिट मेथड लगा दोगे इसके ऊपर। ठीक है, यस सर। आगे ये डन बच्चों, अगला खोलो या है इसमें सर 17-18 लास्ट के दो इंटीजर वो। तो 17th में तो इसके ऊपर, इसके सेंटर पे फोर्स लगा दो, इस पे इधर को ई तो दिया ही हुआ है आपको, तो ये मतलब यहाँ पे इस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा एल बाय टू लग गया, इस पे इधर को लग गया, इसकी टॉर्क लेके सेंटर के अबाउट, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। क्योंकि यूनिफॉर्म है इसलिए मैंने सीधा सेंटर पे लगा दी। Eighteenth question. First resonance is जब empty है तब हुई, और तो आप देखो बच्चों क्या है कि आप वॉल्यूम कंजर्वेशन से ये निकाल लोगे कि लेफ्ट वाले पार्ट में कितना पानी नीचे को गया। यहाँ पे अगर एक तरह से प्रैक्टिकली वो 10 ऊपर जा रहे, मतलब यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया, यहाँ जो वॉल्यूम हो जाएगा ये मतलब 8² × 10 टिप्स टर्म बनेगी, तो दूसरी तरफ 4² × x हो गया, तो ये x आपका 40 बन गया। तो यहाँ पे मतलब जो लिक्विड की लेंथ है उसमें 40 का फर्क आ रहा है, और वो 40 किसके इक्वल हो गया, फर्स्ट रेजोनेंस के बाद सेकंड रेजोनेंस। तो ये
लैम्डा बाय टू हो गया ना 40. ये एक मिनट, ये कितना होता है बच्चों, जो डिस्टेंस होता है एक रेजोनेंस के बाद दूसरी रेजोनेंस का? ये 40 तो आई गया कंफर्म्ड. क्या होता है बच्चों डिस्टेंस? बोलो भाई. क्या होता है उसका फर्स्ट रेजोनेंस से थर्ड नेक्स्ट रेजोनेंस पे जाने पे कितना चेंज आता है वेवलेंथ में? लैम्डा बाय टू सर, पहले लैम्डा बाय फोर में फिर 3 λ/4. हाँ, तो लैम्डा बाय 2 आता है ना, तो 40 जो है आपका वो लैम्डा बाय 2 के इक्वल आ गया. तो इससे लैम्डा निकल आया, उससे स्पीड निकल आएगी. आगे इनमें है कोई बच्चों, या पेपर टू खोल लो. सर इस पेपर का थोड़ा रिव्यू दे दो. वो तो गए सारे कि कह रहे हो? इस पेपर का थोड़ा रिव्यू दे दो सर कि कितने करने चाहिए थे. और यार इसमें तो मतलब देखो, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट डूएबल था, सेकंड डूएबल था, बिल्कुल स्टैंडर्ड केस है, थर्ड फोर्थ मतलब फिफ्थ में इस वाले केस में था थोड़ा सा. मतलब अगर मैं आपको वैसे बताऊं कि इसमें अच्छा स्कोर तो कितने आने चाहिए डिसेंट स्कोर के लिए, मतलब मतलब सेक्शन वन में आपके 6 क्वेश्चंस होने चाहिए ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 10. सेक्शन टू में एट में से अगर आपके ऑन एन एवरेज अगर 3 टाइप्स हुए हैं 3 to 4 तो बहुत अच्छा है. मैट्रिक्स मैच में भी मतलब ये मान लो कि आपके टोटल अगर मिला के अगर दोनों में से अगर जैसे एक तरह से 8 हो गए, 4 और 4, 8 में से अगर आपके 4 तक ठीक हैं तो इट्स फाइन. ठीक कह रहा हूँ मैं, इससे कम बन रहे ज्यादा बन रहे हैं? सर मल्टी करेक्ट वाले में मेरा तो सर हार्डली बस 1 या 2 ही पूरे सही होते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको बोला था ना कि बस वो करो, पार्शियल जितने मार्क्स वहां से गेन कर सकते हो वो करो. जी सर, पूरा सही. जैसे इस पेपर में बस मेरा 1 ही था जिसमें +4 मिला. बट अगर आप और जैसे मतलब 6 क्वेश्चंस में से अगर +1 +2 भी ले लेते हो तो बहुत सही है.
हाँ बच्चों इसमें बताओ सर इसका क्या कहते हैं सी और डी ऑप्शन वाला पहले क्वेश्चन का सर पहले क्वेश्चन में आप क्या कह रहे हो सी और डी यस सर तो ये पॉइंट हवा में आ गया ना यस सर मतलब ऐसे ऊपर आ गया तो वहां पे आप बेसिकली वो इस पॉइंट को हवा में लेके मतलब तीनों के कारण जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है उसको ऐड करना है हमें ये सर सर किया तो वही था कि उसमें एक तरह से जो मान लो सिर्फ हम एक ही लाइन की अपना वजह से वो कर रहे हैं कंसीडर तो उस पॉइंट को जॉइन उस पॉइंट को और वो वाली लाइन को जॉइन करके हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा लेंथ क्या दिया इक्विलेटरल वाली बनती है यस सर सर नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे वायर्स है ना और इन्होंने कहा है क्या कहते हैं इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस नहीं इक्विलेटरल कैसे बनेगा डिस्टेंस ए तो यहां सेंटर से है हवा में तो सर इक्विडिस्टेंस ए सर इक्विडिस्टेंट ए फ्रॉम ऑल वर्टिसेस हवा में वो वर्टिसेस से भी ए ए डिस्टेंस में है तो मान लो वो जो वर्टिसेस से है ठीक है हाइट ए नहीं है वर्टिसेस यस सर हां ठीक है तो सर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया अब सर क्या कहते हैं उसका जैसे हम सर क्या कहते हैं लाइन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो वो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू आता है हाँ हाँ बिल्कुल तो उसके लिए थीटा वन और थीटा टू तो सर 30 डिग्री 30 डिग्री हो गए यस ठीक है ना सर तो वो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर हमारे पास है वो रूट थ्री ए बाई टू आ जाएगा क्या कहते हैं पॉइंट सर इसका जब हम कंपोनेंट लेंगे तो हॉरिजॉन्टल में तो सर क्या कहते हैं कैंसिल हो जाएंगे सारे क्योंकि वो 120 डिग्री पे तीनों है सर वर्टिकल लेंगे सर वर्टिकली ऐड करके ये ऑप्शन ही नहीं बन रहा वर्टिकल में तो सर साइन 30 वाला कंपोनेंट आएगा ना नहीं नहीं साइन 30 कहां से आ गया वर्टिकल में नहीं सर अगर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर जब हम करेंगे तो हमारे पास वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बने तो क्या कहते हैं बेस के साथ तो उसका एंगल 60 डिग्री हो गया ना तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम क्या कहते हैं एंगल हम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे अलाइन है मुझे लग रहा है इसमें आप गलती कर रहे हो इसका जब आप 3D में फिगर बनाओगे तो वो जो ट्रायंगल बनेगा उसका एक साइड तो ये बन गई ये कितने ए बाय रूट थ्री है ना ए बाय टू रूट थ्री समझ लो ये मतलब इस टाइप फिगर की बात कर रहा हूँ मतलब ये ऐसे जो आपका कंपोनेंट आएगा आपको इसका वर्टिकल लेना है जहां पे दिस लेंथ इज a by 2 root 3 और ये लेंथ है आपकी a root 3 by 2
जो परपेंडिकुलर बनाया था हमने, यहाँ पे ये वायर है, तो 60 कैसे बना एंगल? चेक कर लूंगा सर, कैलकुलेशन एरर होगा, किया तो यही है जो आपने बताया। ये साइन थीटा 1/3 बनेगा। यस आगे सर, फोर्थ ये जो मुश्किल है क्वेश्चन, ये देखने में बहुत आसान लग रहा है। एक्चुअली इसमें क्या है ना कि आपको हर पॉइंट पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा। इन्होंने जो मतलब ये सिलेबस में नहीं है आप मान लो, क्योंकि इन्होंने जो एक रफ एलिप्स की इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन से अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकालते हैं तो उसके लिए कुछ और यूज होता है कंसेप्ट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। Ignore this. आगे पूछो। बोलो भाई, सर सिक्स्थ क्वेश्चन का थोड़ा सा सर मतलब नहीं समझ आया था, मतलब हो गया क्वेश्चन बट ये सर जो मतलब हर ऑप्शन का जो पहला पहला वर्ड है ना, क्या कहते हैं स्टेटमेंट है, वेव बिहाइंड द सोर्स, वो वाला सर थोड़ा सा बता दो कहना क्या चाह रहा है। इसमें ऐसे लिखा है कि वेवलेंथ ऑफ वेव इन फ्रंट ऑफ सोर्स, इसका मतलब है कि सोर्स ने जो वेव प्रोड्यूस की उसकी वेवलेंथ। मतलब मतलब बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि जैसे सोर्स है ये, मान लो आगे को जा रहा है, अब ये साउंड तो है सच हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो आगे को उसने साउंड भेजी और जो पीछे को साउंड भेजी, उन दोनों की वेवलेंथ्स के बारे में पूछा है कि कौन सी वेवलेंथ है। ये फर्क क्यों आ रहा है वेवलेंथ का, वो इसलिए कि बेसिकली जिस डायरेक्शन में तो सोर्स खुद जा रहा है, सोर्स को हवा के अंदर तो साउंड की स्पीड 340 रखनी है ना, या जो भी है, ठीक है। तो जब तो अगर तो सोर्स को जो वेव अपनी डायरेक्शन में ही बनानी है आगे की तरफ, उसको उसे कम स्पीड देनी पड़ेगी, जो उसके पीछे वाली है उसमें उसको ज्यादा स्पीड देनी पड़ेगी। बस ये ध्यान रखना अपने को, इसलिए आंसर अलग आ रहा है। मतलब सर मीडियम इज मूविंग का मतलब जो डी ऑप्शन में इन्होंने यूज किया, कि मीडियम की भी स्पीड आ गई, मतलब जो हम एयर की स्पीड कैलकुलेट करते हैं इंक्लूड। हाँ आगे
सर 8th इसमें मतलब ऐसा कहा है कि एक रोटेटिंग डिस्क को ग्राउंड के ऊपर रख दिया। वाई एक्सिस फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स आर म्यू वन एंड म्यू टू। तो जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी इस केस में? फ्रिक्शन हर पॉइंट पे ऐसे रेडियल डायरेक्शन में लग रही होगी। ये मानते हैं बच्चों? तो जैसे डिस्क घूम रही होगी उसकी रोटेशन की सेंस की ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी। तो ये पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, मतलब एक जैसे कोई अगर हम पतली सी स्ट्रिप लें ऐसे, तो हर स्ट्रिप पे मतलब जो फोर्स है वो मतलब इस तरह आती रहेगी, या मतलब अगर हम जैसे भी मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में मान लो। जैसे उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया कि डिस्क को घुमा कैसे रहे हम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अभी उन्होंने डायरेक्शन भी पूछी है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बिना पता हुए डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे। तो ये आपको किसी एक स्ट्रिप पे बच्चों फोर्स निकालनी पड़ेगी, वो कैसे निकलेगी कि हम कहेंगे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे हम ये निकालेंगे कि इस स्ट्रिप के ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो हमें खैर एंगुलर एक्सेलरेशन भी पूछी है तो हम इसकी टॉर्क भी निकालते हैं सीधा कि ये जो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स हुई, ये देखो कैसे लिखेंगे हम, सिर्फ मैं एक हाफ की बात कर रहा हूं कि एक हाफ का मास हुआ मतलब वेट हुआ एम जी बाई टू, ये कितने एरिया में डिवाइड हो गया पाई आर स्क्वायर में टू, इनटू ये जो स्ट्रिप बनी
उसका एरिया क्या बन गया पाई, आर डी आर, ठीक है स्ट्रिप का समझ गया कैसे लिखा है एरिया, लेंथ इनटू थिकनेस ऑफ स्ट्रिप, और सर हाँ इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे टॉर्क बनेगी, इसको इंटीग्रेट, यस क्या कह रहे थे, म्यू से मल्टीप्लाई होगा, सर ये मतलब होने वाला क्वेश्चन तो नहीं, मतलब सोचना मुश्किल मुश्किल है, मुश्किल है सर। हाँ जी सर, अभी क्या कहते हैं 5-10 मिनट में रोहित सर की क्लास शुरू होने लगी है, तो आप अगली क्लास का टाइम दे सकते हो सर? ठीक, इसमें जो फर्दर कोई डाउट्स है ना आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है ग्रुप पे डाल देना, इस ग्रुप पे, ठीक है सर, चलो ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।